ये उठी नहीं 3 दिन से बेचारी को कब्ज हो गई है। जा भाई इसको ना भी उठे ना एक दिन। हाँ ये देखो ना ब्लड आ रहा है इसको उठा दिया करने। ये देखें ये तो पूरी भैंस जितना गोबर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो दोस्तों आज मैं और सजाद भाई और अली हसन भाई की, ये आपने देखा होगा शुरू की वीडियो में, जिन जो भाई हमारे साथ शुरू से हमारी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि ये मेरे साथ होता था। तो आज मेरे साथ है दोस्तों सजाद भाई, अली हसन। तो आज हम सारे सेटअप की दोस्तों सफाई करनी है। तो सजाद भाई ने काम स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इनको बोला है कि एक मिनट रुक जाओ यार, वीडियो तो स्टार्ट करने दो। लेकिन उन्होंने एक माशाल्लाह ट्रे साफ भी कर दिया। सजाद भाई ये देखो आप, ये अंदर जाले लगे हुए हैं। पैरट पोर्शन है वो भी साफ कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह पैरट पोर्शन ये सिर्फ सजाद भाई ने किया, मैं नीचे नाश्ता करने चला गया था। तो ये ट्रे भी साफ कर दिया सजाद भाई माशाल्लाह। दोस्तों आप ये देखिए कितना साफ सुथरा माहौल हो गया। जितनी इधर बीठी वगैरह थी सारी वो पतरे से सजाद भाई ने और अली हसन ने साफ किया, और सारा हमारा पैरट पोर्शन दोस्तों कंप्लीट हो गया है। और बजिस कलोनी भी ओके हो गई है, बजिस कलोनी भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह साफ कर दी है, पैरट पोर्शन भी साफ कर दिया। और जिधर हमारे मोर होते थे ये भी जगह बहुत ज्यादा गंदी थी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गई है। तो आपको मैं बजिस कलोनी भी दिखाता हूँ, और शायद आज फीमेल अंडों पे ना बैठी हो तो हम उसके बच्चे भी देख लेंगे। वो बैठी हुई है, और ये आप माशाल्लाह देखें, पहले भी आप देखते हो कितनी गंदी हो रही थी। काफी दिनों बाद सजाद भाई हत्थे चढ़े हैं हमारे आज। तो पिछले जुमे का वादा था लेकिन आज इलेक्शन डे या छुट्टी थी शॉप से, तो बेचारे सुबह सुबह ही आ गए हैं। तो दो बच्चे हैं माशाल्लाह दोस्तों, दोनों बहुत ज्यादा शोर करते हैं दोस्तों, इसलिए हम ये देख नहीं सकते। बस मैंने आपको ये दिखाना था कि हमने आज सारा सेटअप साफ करना है। बजिस कलोनी और बाकी हो गए हैं, बाकी हम डक कलोनी तो मैंने चेंज कर दी थी बोतलों वाले डरपे में, तो वो भी साफ करते हैं। तो उधर बजिस की भी सेटिंग करते हैं। अली हसन भाई अच्छी तरह सफाई करनी है, अच्छी तरह, ठीक है ना? हाँ जी, ये देखो यार कितना गंदा हो गया। ओए होए कहा था ना जुमे वाले दिन साफ करना है। हाँ तो पिछले जुमे कर लेते यार, इतना गंदा हो गया यार। तो मैंने तो आपको बोला था साहब भाई आ जाओ, आप ही नहीं आए। कह रहे हो ना नीचे फसल उगानी है। हाँ तो इधर ही उगी खड़ी है। ये दोस्तों गंदम उगी है, जो जितने गंदम बाजरा आते थे ना ये इधर पानी पड़ा होता था, पानी भी गिरता रहा है गंदम भी। और साहब भाई कह रहे हैं की इधर ये पड़े रहने देते हैं, बाद में हम काट लेंगे। तो साहब भाई इसका क्या करें फिर इसका? मुर्गियों को डाल देते हैं, ठीक है, दाने उखा लेंगे। ठीक है खेचो इसको जाइए, बाकी बहुत इसमें ना ये बहुत ज्यादा दाने पड़े हुए। ओहो हो बहुत वजनी भी हो गया। अली हसन पकड़, वजनी भी है। चार भाई उस साइड से पकड़ो, बहुत ज्यादा गंदे हो गए ये दोस्तों। आपको याद होगा कि पिछले मंथ मैंने किया था, लेकिन ये एक महीने मैंने वो बाहर लेके चलो। ये मुर्गियों की आज मौज हो जाएगी दोस्तों, ये सारी जो मुर्गियां जो गांव में होती हैं दोस्तों। पहले दाना डाल दिया है मुर्गियों को, नहीं तो ये तो साफ कर देते हैं। ये अभी भी साफ कर देंगे, जब भी अब टेंशन नहीं हो गई है ना। हाँ डक भी शुरू हो गई है माशाल्लाह दोस्तों। हम जो कबूतरों के का साफ कर रहे हैं ना पतरे, तो इसमें गंदम बाजरा बीठे काफी सारी प्रोटीन है माशाल्लाह। हमारी सारी मुर्गियाँ खा खू के आराम से दोस्तों इधर जाके बैठ गई है। सजाद भाई बेचारे सुबह से लगे हुए हैं। मेरी गल सुनने की। हाँ जी मैं सुबह बक्ता खोली हां। हाँ जी एदे च दो अंडे पे है, वो चेक करी कि मुर्गियां दे के बक्ता दी है केड़े है यार। आ दो पे थे। ओए माशाल्लाह 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 दोस्तों, ये तो यार सजाद भाई ये मुर्गी का अंडा नहीं है, सफेद अंडा है। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने डक्स को सबको इधर शिफ्ट कर दिया है पिजन हाउस में, डरबे में, पिजन के डरबे में। तो उधर दोस्तों हमने बजिस कलोनी बनानी है, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, परसों वाले वीडियो में भी बताया था। तो माशाल्लाह तो ये सजाद भाई ने सुबह आके ना सारी खोल दी थी, क्योंकि इन्होंने सफाई करनी थी। तो इन्होंने देखा, मुझे तो खुद नहीं पता था उधर दोस्तों इनके अंडे होते नहीं थे। कबूतर वाले डरबे में आते ही दोस्तों इन्होंने दो दो अंडे दे दिए। सजाद भाई ये पकड़ो, इनका अंदर रखो। तो ये तो दोस्तों माशाल्लाह ठीक है, मतलब हमारी डक्स को ये पसंद आ गया। सजाद भाई हम ये डक कलोनी पक्की कर दें? हाँ यही ठीक है। तो कबूतरों का क्या करें फिर? कबूतरों का उधर बना लेते हैं यार, उधर तो बजिस कलोनी बनानी है। इसके साथ ही बन जाएगा ना कबूतरों का। इधर यार वो आते तो है नहीं, ऊपर बैठे रहते हैं। नहीं नहीं यार आएंगे, इधर ही बनेगा ना, ऐसा ही बन जाएगा। मैं पता सजाद भाई क्या सोच रहा हूँ, ये हम डक्स का कर दें, इसके साथ एक तरकी बढ़ के दो पोर्शन बना दे, एक तरकी बढ़ के लिए एक हम बना दे ग्योना फूल के लिए, ठीक है। इसके ऊपर एक जाल सा लगवा के वो हम कबूतरों का कर दे, क्या कहते हो? ये बात ठीक है यार। सही है ना? बिल्कुल ठीक। पीछे से बंद करवा दे, आगे जाल लगवा दे। सही
सही है ना। तो दोस्तों क्योंकि डक्स को ये वाला बहुत ज्यादा पसंद आ गया, इन्होंने आते ही हमें सुबह दो अंडे दे दिए। उधर तो दोस्तों एक देती थी, कभी दो देती थी, इधर माशाल्लाह दो दो अंडे से ज्यादा। भाई ने जब सुबह खोला तो देखा तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि डक्स को ये वाली जगह पसंद आ गई है। ये तो बहुत गंदी हो रही है यार, कितना गंद दोस्तों आप देखिए ना, जुमे ना पसाब करया करिए, थलो गल जानी, इथो गल जानी है सारा, फायदा की होना ते इस गल दा। हां ये सारा ना गल जाएगी, हां इनां नु ना आपा जुमे ना साफ करया करिए। आ पिछले जुमे बोला था आप आए नहीं यार, ये देखो चलो इतनी भारी हो रही है यार, ये उस साइड से पकड़ो आप। नहीं मैं ही लेके जाऊंगा इसको। चलो ये मैंने आपको बोला था पिछले जुमे आप आए नहीं यार। आसो भाई बहुत गंदा ही है। ये क्या है? क्या ये कीड़े बन रहे हैं? ये कीड़े हैं, है ना। ये पिछली दफा भी दोस्तों आपको याद होगा मैंने जब साफ किया था इसमें ये वाले कीड़े इतने पैदा हो गए थे और अब भी इतने हो रहे हैं। ये यार आसो भाई ये ना जुमे साफ कर ले। ओए कितना गंद। अब देखो कितने कीड़े हैं। मुर्गियों को बुलाओ हाँ मुर्गियाँ बड़े मजे से खाएंगी, प्रोटीन है भाई। ये गांव वाली जो मुर्गियाँ होती हैं वो गोबर खाती रहती हैं, रूढ़ियों पे से पता नहीं क्या क्या गंद खाती रहती हैं। ये तो इनको हमने समझ लो लाइव फूड दे दी, यही समझ लो कि हमने रूढ़ी भी छोड़ी हुई है। हाँ रूढ़ी भी छोड़ी हुई है। ये हर जुम्मे आप सजाद भाई आपके जिम्मे है, मेरे साहब आपने हेल्प करवानी है। ये एक महीने में इतना ज्यादा गंद हो गया, अगर हर जुम्मे हम करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी बीठी हुआ करेंगे। जितनी भी ट्रेन है ना, हाँ सारी गंदी। मैं तो इधर दोस्तों छाँव में बैठ गया हूँ, जो हमने रैबिट हाउस की शेड लगवाई है। मुझे दोस्तों गर्मी लगने लग गई थी तो मैंने जा भाई को कहा ये सारी और अली हसन तुम ही साफ करो, मैं इधर रेस्ट कर रहा हूँ। तो ये इतनी देर तो नहीं लग रही साफ करने में, बस यार आप इधर फारे की बैठे हो ना। हाँ जी आप ऐसा करें यार, मोर ही उधर छोड़ दें, मोर को छोड़ते हैं सारा सेटअप करके इंशाल्लाह। हाँ सारा सेटअप चेंज करके पहले सफाई करनी है सारी सफाई करके फिर इंशाल्लाह जो से जो मोर है ना दोस्तों हमने इधर छोड़े हुए हैं। मैंने इधर की भी सफाई करानी है, ये देखो ना इधर की भी सफाई होगी हमारी। इधर वो जुमा है ना, कल छुट्टी है तो कल वाले दिन इंशाल्लाह करेंगे। आज टाइम दिया हुआ है यार तो चलते हैं ना, सारी सफाई करके चलते हैं, दोनों चलते हैं। मैं भी कटिंग शटिंग करवा लूंगा, काफी बड़े बड़े बाल हो रहे हैं। सफाई कर दो बिल्कुल, सफाई जल्दी जल्दी खा लो यार। आसे भाई बढ़िया मुर्गियां अंडे दे भाई, केड़ियां मुर्गियां बढ़िया पर अंडे दे नहीं पाइयां, तीन मुर्गियां देखो दोस्तों कितने ज्यादा बात तो ठीक है सजाद भाई, ये देखो कितने इसमें बाजरा गंदम हर चीज है। जल्दी लेके आओ सजाद, उठा के लेके आओ। मोरों को भी छोड़ दे बाहर, इनको माशाल्लाह चार अंडे पड़े हैं सजाद भाई, चार अंडे इधर पड़े। एक तो मैंने कल रखा था मुर्गी बैठने के लिए, ये अंडा आज कोई नई शेप का है, ये उठाना एक तो इधर रखो ना, ये तो कल वाला है, ये पांच पूरे हो जाएंगे, ये पांच पूरे हैं, ये दो भी। ये अंडा ये अजीब सा है लंबा सा, ये कौन सी भाई को नई मुर्गी तो नहीं दे रही है ना ये तो। हाँ ये तो गोल है, ये देखो दोस्तों एक और ये लंबा है, ये कोई नई मुर्गी अंडा दे रही है। चलो इनको भी रखो, पांच और तीन आठ हो, उठाओ इनको और इनको भी बाहर छोड़ो, जाओ जाओ तीन दिन हो गए बैठी हो, जाओ अंडे ना साथ हो इसके, आराम से अंडे भी साथ आ जाते हैं। तुम तो चुप हो जाओ यार, अंडे चिपके होते हैं साथ। अभी ब्लड आ रहा है क्या है ये हैं? ये कब्ज हो गई है इसको, ये उठी नहीं तीन दिन से बेचारी को कब्ज हो गई है। जा भाई इसको ना भी उठे ना एक दिन। हाँ ये देखो ना ब्लड आ रहा है इसको उठा दिया करना है। ये दोस्तों क्या हो गया, ये उठी नहीं तीन दिन से बेचारी को कब्ज हो गई है। जा भाई इसको ना भी उठे ना एक दिन। हाँ ये देखो ना ब्लड आ रहा है इसको उठा दिया करना है। ये देखें ये तो पूरी भैंस जितना गोबर कर दिया है इसको अब ना लाजमी उठाना है। ये देखो ना कितना इसको कब्ज हो गया, ब्लड आना शुरू हो गया था, वो ना बीमार हो जाए ज़ाया हो जाए। वो पानी उसमें फ्रेश, हाँ तीनों मुर्गियाँ उधर पानी पीने चली गई हैं, वो उसमें फ्रेश पानी भर दो, वो सारा डक्स ने ख़राब कर दिया। ये देख कितना ज़्यादा गंदा हो गया, ये धो के भर दो ना यार, गंदा हो रहा है डक्स के, आपको पता है कितना ज़्यादा गंद करती है यार। उठ जाया करो, ऐसे बीमार हो जाओगी, पेट भी तुम्हारा खाली पड़ा। ये देखो ना कितनी बेटें कर रही, तीन दिन से बैठी रही अंडों पे, अब इनको प्यास भी लग रही है और इनको दोस्तों कब्ज़ भी होगी बेचारियों को ना। अब मैं खुद ही उठा दिया करूँगा, अगर ये नहीं उठा करेंगे ना दोस्तों मैं खुद ही उठा दिया करूँगा, ऐसे तो कोई नुकसान ना हो जाए। दोस्तों आपने देखो होगा कि कितनी मुश्किल से बेचारी को बीट आ रही थी और ब्लड आ रहा था साथ। उठ जाया करो यार, उठ जाया करो।
दोस्तों सफाई के साथ साथ हमारी मुर्गियों की भी मौज हो गई है, इनको भी प्रोटीन मिल गई है। मतलब दोस्तों हम गोबर तो ला नहीं सकते ना, जो भैंसों को होता है, जो गांव में मुर्गियों बाहर फिरती रहती हैं खाती रहती हैं, तो जो हमारे कबूतरों के डरबों में से जितना कुछ निकला तो हमने ये डाल दिया। और माशाल्लाह बड़े ही मज़े से हमारी मुर्गियां खा रही हैं, तीनों मुर्गियों को भी उठा दिया जो अंडों पर बैठी हुई हैं, ये माशाल्लाह सारे बड़े ही मज़े से खा रहे हैं। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।